बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है क्या? इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेश्रमी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेश्रमी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्फोट कर रहे हैं, सामाजिक पाने वाले को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये तो लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने वाले को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया, और आज भी जब देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना चुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई उपलब्धियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति विस्फोट कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सबका अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है, इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मासा कंपनी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो, और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था,
बाहर हुए, आज भी उनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया है। कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण के। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, और मैंने पहले ही कहा हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीब